मेयर खिलाफ बोली भद्दी शब्दावली नूं लैके अज सीनियर डिप्टी मेयर ते एक कौंसलर दे खिलाफ एक व्यक्ति वल्लों दित्ता गया बठिंडा दे नगर निगम दे बाहर धरना। यह व्यक्ति साबका वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल दे रिश्तेदार जयजीत सिंह जोहल दा नज़दीकी दस्या जा रहा है। इस व्यक्ति ने अज सीनियर डिप्टी मेयर से भी काफ़ी सारे इल्जाम लाए हैं। उधर एक कौंसलर मलकीत सिंह इस वालों इल्जाम लगाए गए हैं। इसने कहा कि जो भद्दी शब्दावली बोली गई या होर भी इन्हों वालों नगर निगम के कुछ कपले किए हैं, इसको लेके वह अज बठिंडा के नगर निगम विखे धरना लगा आया सी, लेकिन उस नगर निगम के कर्मचारियों वालों अंदर नहीं जान दिता गया। उसने बाहर गेट पर बैठ के अपना धरना लगा दिता। देख रहे हो तस्वीर बठिंडा के नगर निगम के एक धरना लाने आया व्यक्ति, उसने उसका कहना है कि जो मेयर के खिलाफ भद्दी शब्दावली बोली उसके खिलाफ उस वालों ये अपना प्रदर्शन करना सी, लेकिन उसको अंदर नहीं बैठन दिता जा रहा। देख रहे हो तस्वीर नगर निगम के कर्मचारी इसको बाहर कढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंधी जब बठिंडा नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार के गलबात की तो उन्होंने कहा कि इस दे पिछे कोई होर बंदे इस तो करवा रहे हैं। ये अक्सर ही कदे किसी के खिलाफ बोलता है, कदे किसी के खिलाफ बोलता है, इसलिए असी इसकी गल नूं ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि इस दे पिछे कोई होर बंदा इस नूं उंगलबाजी करके इस तो ये सारा कुछ करवा रहा है। सीनियर डिप्टी मेयर नूं दावा ये लुट के खा गया, हाय हाय ये लुट के खा गया, हाय हाय। कार्रवाई की जाए इथे बह के लुट सुत करते हैं, अंदर बह के इथे बह के लोगों तो शराबा पींदे आ, नगर निगम दी जिहड़ी बिल्डिंगां बनदियां उन्हां दे विचों इन्हां दे हिस्से आ, लाटरियां लैण तों इह महीने लैंदे रहे आ, आपदे मुंडे नूं इह नौकरियां लवा गए। गलत गल इह लोकां दा मान खराब कर रहे हैं। मैसेज हो रही सी असीं अंदर वड़ रहे सी, पहले भी धरने लग रहे आंदे जी, इन्हां ने धरने नहीं लान दित्ते जी। अंदर उह अशोक कुमार सीनियर डिप्टी मेयर दी इह गुंडा करदी आ कि मैं तां इहदे बार च वी ला लूआं, इहने इह तां धक्का मुक्की जाण के कराई आ, इन्हां ते बनदी कारवाई कीती जावे नगर निगम दे अफसरां दे खिलाफ जिन्हां ने मैनूं धक्के मारे आ, बेइज्जती कर रहे आ। इह कारवाई यही चाहनी है जी, सीनियर डिप्टी मेयर ने धक्के मरवाए है जान के, धरना यह लाया जी जी उस पर कारवाई की जाए जी। है मलकीत एमसी दे अशोक कुमार एमसी मेयर मेयर नूं भद्दी शब्दावली बोली सी जी, उन्हां नूं कहिंदे डांग दे दे, एक कोई वजह एक लेडीज का अपमान कर रहे हैं। अज धरना नहीं लान दिता गया, इस तों बाद तुसीं की करोगे? इस तों बाद आत्महत्या करांगे जी जे इह धरना नहीं लान दिते। ये थोड़ी गल है, सारे का घर नहीं है, ये धरना ला सकते हैं, धरना क्यों नहीं ला सकते? किसी अधिकारी मिले पहले सारे मिले हैं, अंदर सारे क्या यह धरना ही नहीं ला देंगे, धक्का मुक्की करते हैं। इस से कार्रवाई इन्होंने परचा हो बंद की कार्रवाई की जाए। तो यह कई लाटरियां जिन्हें पहला चल दी सी कांग्रेस सरकार तो और 500 रुपया खाते रहे हैं, इन्हों की कार्रवाई की जाए। एक मितू आहो लैनो पार एमसी का पहला कांग्रेस शायद चलती सी, पर जोजो भाई पता नहीं सी, ए सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार करांदा सी। हाँ जी हाँ जी, सीनियर डिप्टी मेयर है जी। एक ना जी परसरा नगर आलम बस्ती के कोले डिस्पोजल है जी, उतो साधु एमसी है जी, और मेरे को मौजूदा वीडियो भी है, उन्हें डिस्पोजल दी मोटर चक के कुवाड़ियों नूं बेचती। हाँ जी, अशोक कुमार सीनियर डिप्टी मेयर दी शाह ते बेची आ उन्हें, उहदे कोले बहिंदे इत्थे अंदर पैसे खांदे आ। नौकरी वाला मसला यह है जी, इहदा मुंडा 5वें नंबर ते सी, सानू जोजो भाई जी ने भी दस्सिया होना जी, चार बंदे ने नंबर कट के 5वें नंबर इहदा लाता, इहदे कारवाई तां होणी चाहीदी आ, जांच मांगदे आ असीं। कांग्रेस दी वी गलती आ, फिर उहनां नूं क्यों लाया? नहीं नहीं, कांग्रेस दी उदों सीगा निर्मल सिंह सिद्धू के खिलाफ बोलिया, फिर साडे एक सत्कारयोग एमसी गोरा सिद्धू के खिलाफ बोलिया। तुसीं इहदा बैकग्राउंड तां देखो, बंदे दी बैकग्राउंड की है, परसों चौथे किसी के हक च ओह पाई जांदा भी मैं थोड़े नाल आ जी। सो मेरे कहना बाबा, एक बंदे कुछ जो बंदे करा रहे ने, इन्नी घटिया राजनीति ना करो,
जिहड़ा एक दूजे ते कठिया आरोप प्रत्योप लगाईए आपां। राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए है, तत्थां दे आधार ते होनी चाहिए है, ना कि एक दूजे दे इह जे बंदे नूं चक के जिहड़ा बंदे नूं कोई महल्ले च पंज वोटां पईआं सी गिल साहब दे खिलाफ पंज वोटां, ते उहो जे बंदे नूं तुसीं इह तरजीह दिंदे हो, मैं तां बड़ी हैरानगी दी गल है। दोष तां कोई भी किसे दे खिलाफ ला दूगा, दोष कोई किसे दे खिलाफ ला सकदा है, पर दोष साबित कराओ, उहदा साबित कर भाई, दोष साबित करो, एक भी दोष साबित कर दे मैं सियासत छड्ड दूं। प्रशासन जाने कोई करने वाला जाने, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैनू इस गल कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज कमिश्नर साहब होनी चाहिए, पर दफ्तर नू कमिश्नर साहब चलाते हैं। पढ़े लिखे बंदे हो यार, मेरे को रिटन कोई अधिकार नहीं है, मैं जिहड़ा संविधान मैनू अधिकार दिता है सिर्फ लोगों के काम कराने वास्ते दिता है, मैं किसी तो एक रुपया भी नहीं लिया ना लवा। जे किसी ने कोई दोष लाना सीधा मेरे करप्शन से लावे, ये की लैटरी वाली छोटी हरकत है, ये ना मैं लिया किसी से एक रुपया, ना मैं लवा, ना मेरे 40-50 साल की मेरी राजनीति है, 50 साल की राजनीति है मेरी, एक रुपए का शहर दे कोई बंदा दोष नहीं ला सकता, ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੌਕਰੀ ਕਿ ਲੱਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 12 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12-13 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ 12 ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਰਹੀ 5ਵੇਂ ਜਾਂ 4ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 3 ਤੇ 4 ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਫੇਰ